अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम बहुत एक छोटी सी रेसिपी बना रहे हैं, और मज़े की बात यह है कि वो इतनी स्मॉल रेसिपी थी कि मुझसे हैंडल नहीं हो रही थी। थोड़ा ज़रा ज़्यादा अमाउंट की रेसिपीज़ बनाने की आदत है, तो ये बहुत छोटी सी रेसिपी थी लेकिन बहुत मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। तो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जस्ट 1 मिनट माइक्रोवेव में ये बन जाता है पैनकेक। दिस इज़ ब्रेकफास्ट पैनकेक, तो ये मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। 1 टेबल स्पून आप इसमें बटर डालिए, कोई ख़ास इसमें मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है। इसको 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में रख के आप मेल्ट कर लीजिए। अब ये मैंने ब्राउन शुगर के साथ बनाया है, सो दिस इज़ 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर। अगर आपको ब्राउन शुगर नहीं पसंद है तो आप वाइट शुगर ले लीजिए, लेकिन फिर थोड़ी सी कम डालिए। पहले इसको मिक्स कर लीजिए। ये इतनी छोटी रेसिपी थी कि आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज कि वॉट टू डू फर्स्ट एंड वॉट नेक्स्ट। ये मैदा मैंने छान के रखा हुआ था, 2.5 चम्मच, 2.5 टेबल स्पून मैदा, ये आप डाल लीजिए। बहुत क्विक बनता है ये, तो मैं बड़ा स्लो वर्जन बना रही हूँ, बहुत ही क्विक बन गया था ये, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेगा और इसको आप मिक्स कर लीजिए। लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा रह गया है दूध। 4 टेबल स्पून इसमें दूध जाएगा, ये आम जो टेबल स्पून आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। 3 टेबल स्पून मैंने पहले डाला, कि शायद 1/4 चम्मच की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर ये है कि वो बाद में वो चम्मच भी इसके अंदर शामिल कर दी मैंने। हल्के हाथ से आप इसको मिक्स कीजिए, और कांटे से मिक्स कीजिए, दैट वुड बी बेटर फॉर यू, आसानी से मिक्स हो जाता है। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, हेलो देयर, वेलकम, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। आई यूजली पोस्ट माई वीडियोज वन आफ्टर अनदर। ये अब आखिरी चम्मच दूध की थी, मैंने ये भी इसमें शामिल कर दी। कंसिस्टेंसी जो है वो मुझे थोड़ी हार्ड लग रही थी, तो टोटल मिला के 4 चम्मच इसमें दूध जाएगा। और बस ये इतने इंग्रेडिएंट्स हैं। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। और ये कप जो है ये माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए, वो जो चाय का एक मग होता है आप उसमें भी बना सकते हैं। और ये 1 मिनट के लिए हमने इसको माइक्रोवेव किया था। अब चूंकि ये पैनकेक है एंड इट इज़ फॉर द ब्रेकफास्ट, तो थोड़ा सा ये एक स्लाइस मक्खन का गरम गरम इसके ऊपर डालिए। गरम गरम पैनकेक पे डालेंगे तो वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा। और मैपल सिरप भी आप इसमें डाल सकते हैं, मेरे पास शहद था तो उसको मैंने बॉटल को थोड़ी देर गर्म पानी में बॉटल को रखा, तो ये मेल्ट हो गया। 1 टीस्पून मैंने इसमें ये शहद डाल, एंड देयर यू गो। ये मैंने ट्राई किया पैनकेक्स में, जो कन्वेंशनल पैनकेक्स होते हैं मैं वो बनाती हूँ, बट ये जब मैंने ट्राई किया, आप यकीन कीजिए कि मेरा दिल चाह रहा था, हालांकि मैं नाश्ता पहले कर चुकी थी, मेरा दिल चाह रहा था ये मैं सारा खा लूँ, बट आई एम अफ्रेड के इट वुड बी टू मच, तो मैंने बस इतना ही खाया। बहुत मज़ेदार। अब देखिए, मैंने अपनी रेसिपी को कभी थम्स अप नहीं दिए, बट दिस वॉज अ वर्थ ट्राइंग रेसिपी, बहुत मज़े की। आई होप यू हैव एंजॉयड माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।